नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीत सिंह सोमवंशी, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, चुन्नीगंज, कानपुर में कार्यरत हूँ। आज हम बेसिकली एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रोस्टेट क्या है। प्रोस्टेट एक अखरोट या नींबू के साइज का, जैसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोस्टेट अखरोट या नींबू की साइज का एक अंग है जो कि मूत्राशय के प्रारंभ में शुरू होता है एवं मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरे हुए होता है। इसका प्रमुख कार्य ऐसे द्रव का निर्माण करना है जो कि शुक्राणुओं के प्रवाह में सहायता प्रदान करे। एक सामान्य एजिंग प्रोसेस की प्रक्रिया के तहत, जैसे कि बाल सफेद होते हैं या और भी शरीर में जो चेंजेस होते हैं जिसमें कि झुर्रियां आना इत्यादि, इसी तरीके से प्रोस्टेट भी उम्र के अनुसार पुरुषों में वृद्धि करती रहती है। अब हम इससे जुड़े हुए कुछ सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सर, बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट से क्या अर्थ है? बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, इसका मतलब है प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर पौरुष ग्रंथि या फिर सामान्य भाषा में जिसे कहें कि गदूद, इसका बढ़ना। उम्र के साथ में इसकी संख्या एवं इसकी साइज दोनों में ही निरंतर वृद्धि होती रहती है। इसी को सामान्य भाषा में BPH या प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। पर सर, इनलार्ज प्रोस्टेट के क्या लक्षण होते हैं? इनलार्ज प्रोस्टेट के प्रमुख लक्षण हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बार बार पेशाब होना, अर्जेंसी या अर्ज इनकंटिनेंस, पेशाब लगते ही तुरंत बाथरूम की तरफ जाना या फिर बाथरूम की तरफ जाते हुए ही पेशाब का कपड़ों में हो जाना, रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स, जैसे कि मूत्र प्रवाह में बाधा उत्पन्न होना या फिर मूत्र करने में जोर लगाना। इसके अलावा हमें कभी कभी ऐसा लगता रहता है कि पूरी तरीके से मूत्राशय खाली नहीं हुआ है, मूत्र करने की इच्छा बनी रहती है। यही सब लक्षण मुख्यतया BPH के बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में देखने को मिलते हैं। सर, क्या अल्कोहल के कंजप्शन से प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के चांस बढ़ते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अल्कोहल के कंजप्शन से, चूंकि अल्कोहल डायुरेसिस यानी कि मूत्र प्रवाह को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इसके लक्षणों में तीव्रता आ जाती है। सिर्फ अल्कोहल ही नहीं बल्कि कैफीन और कुछ कफ सिरप, जिनमें कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि यूरिनरी सिम्टम्स को बढ़ा देते हैं। इसलिए अल्कोहल, कैफीन युक्त पदार्थ, शाम को तरल पदार्थों का उपयोग हमें कम करना चाहिए। सर, प्रोस्टेट कैंसर बॉडी में कैसे स्प्रेड होता है? प्रोस्टेट कैंसर मुख्यतः सबसे पहले प्रोस्टेट में ओरिजिनेट होता है, उसके बाद में ये अपने आसपास के लिम्फ नोड्स, बोन्स में, लीवर में एवं अन्य अंगों में इसकी ये जा सकता है। सर, हमें अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग कब कब करवानी चाहिए और कितनी बार करवानी चाहिए? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें अपनी बॉडी की स्क्रीनिंग कब और कितनी बार करवानी चाहिए। इसको हम मुख्यतया दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसे मरीज जिनके की परिवार में कोई न कोई प्रोस्टेट कैंसर का मरीज रहा हुआ है, या फिर ऐसे मरीज जिनके की परिवार में कोई भी प्रोस्टेट कैंसर का मरीज नहीं रहा है। जिन परिवारों में प्रोस्टेट कैंसर सामान्यतया पाया गया है, ऐसे मरीजों को 40 वर्ष की आयु के पश्चात हर साल प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। ये मुख्यतया दो माध्यमों से होती है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एवं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन एक खून की जांच है जिसके की सामान्य मात्रा 40 से 55 वर्ष की उम्र तक 0 से 2.5 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। इससे अधिक होने पर प्रोस्टेट बायोप्सी की आवश्यकता हो सकती है। अब दूसरी बात मैंने बताई थी कि ऐसे मरीज जिनके परिवारों में कैंसर की कोई भी कैंसर पीड़ित नहीं रहा है, प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित नहीं रहा है, ऐसे रोगियों में हम PSA स्क्रीनिंग को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। हम 55 वर्ष के बाद में उनमें PSA की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। ये सामान्यतः हर साल करवानी चाहिए। यदि नहीं संभव हो सकता है तो 2 से 3 साल में प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन से स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो क्या सर, प्रोस्टेट कैंसर के डेवलपिंग में जेनेटिक्स कोई रोल प्ले करता है क्या? जी हाँ, जैसा कि मैंने इसी वजह से आपको बताया था पिछली बार कि जो PSA स्क्रीनिंग है वो भी हमें जो जेनेटिक, इसमें जेनेटिक रोल बहुत ज़्यादा है। और जिन मरीजों के परिवार में प्रोस्टेट कैंसर पाया गया है उनमें 4 से 10 गुना तक इसकी संभावना बढ़ जाती है। तो जेनेटिक्स डेफिनेटली इसमें रोल प्ले करते हैं। सर,
सर प्रोस्टेट कैंसर के प्रोस्टेट प्रॉब्लम से के होने से अदर भी कोई प्रॉब्लम्स काज हो सकती है? बिल्कुल, चूंकि हमने देखा था कि जो प्रोस्टेट है ये मूत्र मार्ग को चारों तरफ से घेरे हुए रहता है। अगर मूत्र मार्ग का संकुचन प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से होता है तो मूत्र पूरी तरीके से विसर्जित नहीं हो पाता। मूत्र विसर्जित ना हो पाने के कारण रिकरेंट यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, ब्लैडर मूत्राशय के अंदर में स्टोन का होना एवं गुर्दों पे इसका असर होना जो कि सूजन के रूप में बढ़ते हुए क्रिएटिनिन के रूप में देखा जा सकता है। सर हम प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स को कैसे रोक सकते हैं? प्रोस्टेट प्रॉब्लम को रोकने के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, चूंकि हमने देखा है कि ओबेसिटी, लो बीएमआई, हाई बॉडी मास इंडेक्स, ये सब जो चीजें हैं वो प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट को बढ़ावा देती हैं। तो उचित व्यायाम करने के बाद में हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करके हम प्रोस्टेट की वृद्धि को रोक तो नहीं सकते, फिर भी उनके लक्षणों से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज मैंने लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में मैंने बताया था कि शाम को तरल पदार्थों का उपयोग कम करें ताकि हमें बार बार पेशाब करने ना जाना पड़े, और कैफीन युक्त जो पदार्थों का प्रयोग ना करें, अल्कोहल कम से कम लें, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, सलाद, इन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और एक धारणा जरूर है कि हमें मूत्र को बहुत देर तक रोकना नहीं चाहिए। जब भी हमें मूत्र लगे तो तुरंत मूत्र करने जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक पेशाब रोकने से वह रिटेंशन की अवस्था में जा सकते हैं, जिसके बाद में कि मरीज के का रिटेंशन दूर करने के लिए हमें कैथेटर की आवश्यकता पड़ सकती है और अन्य भी दुष्परिणाम शरीर पर पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखकर हम कैंसर के लक्षणों से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। सर टीयूआरपी क्या है? टीयूआरपी प्रोस्टेट ग्रंथि, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि के लिए की जाने वाली एक सर्जरी है। जैसा कि ये इंस्ट्रूमेंट एक मेरे सामने रखा हुआ है, ये एक पाइप नुमा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एक वर्किंग एलिमेंट होता है जिससे कि एक लूप बाहर निकल कर आगे आता है और इसी मूत्र मार्ग के सहारे ये एंडोस्कोपिक प्रक्रिया से इस प्रोस्टेट के छोटे छोटे चिप्स करके इस प्रोस्टेट को निकाल दिया जाता है, और इसके पश्चात में हम कुछ दिनों के लिए कैथेटर रखते हैं, और ये बहुत ही एक मिनिमल इन्वेजिव और एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है जिसमें कि रक्त स्राव लगभग न के बराबर होता है एवं तमाम अन्य कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जा सकता है। पहले इसके लिए ओपन प्रोस्टेक्टोमी की जा सकती थी जिसके कि काफी कॉम्प्लिकेशंस हुआ करते थे, जिसमें कि काफी हद तक रक्त स्राव हुआ करता था और कई बार इनकंटिनेंस हो जाता था, उनसे काफी हद तक टीयूआरपी के माध्यम से, यह एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है, इसके माध्यम से बचा जा सकता है। सर कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए के डायग्नोसिस के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं? प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस में सबसे पहले आपको यूरोलॉजिस्ट के पास में जाना चाहिए जो कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एवं पीएसए की जांच करवाते हैं। इसके पश्चात में कई बार हमें प्रोस्टेट बायोप्सी की आवश्यकता होती है जिसके लिए हमें रेडियोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि ट्रस्ट के माध्यम से प्रोस्टेट बायोप्सी लेते हैं, और प्रोस्टेट बायोप्सी के बाद में बायोप्सी की अच्छी रिपोर्टिंग के लिए हमें एक अच्छे पैथोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट भी होती है। इसके अलावा जब प्रोस्टेट कैंसर के केस में हमें रेडियोथेरेपिस्ट को, ऑन्कोलॉजिस्ट को, ये भी सब हमारी टीम में सम्मिलित होते हैं। सर प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के पोटेंशियल साइड इफेक्ट क्या हैं? प्रोस्टेट कैंसर ट्रीटमेंट के पोटेंशियल साइड इफेक्ट में बालों का झड़ना और अन्य जो टेस्टोस्टेरोन डिप्राइवमेंट की वजह से जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ये सब होती हैं। कई बार पेशेंट को इनकंटिनेंस वगैरह भी हो जाता है, फिर भी इनके बेनिफिट को देखते हुए इसके साइड इफेक्ट काफी कम है। और चूंकि हम ये भी कह रहे थे कि इसके अंदर में काफी हद तक हम दवाओं का भी प्रयोग किया जा सकता है जो कि लंबी अवधि तक पेशेंट खाता रहता है जिससे कि उसको समस्याओं का लगभग नगण्य प्रभाव होता है पेशेंट के ऊपर में। सर प्रोस्टेट ग्लैंड के अफेक्टिंग के लिए कौन सी 3 कॉमन प्रॉब्लम है? पर्डन, प्रोस्टेट ग्लैंड को अफेक्ट करने के लिए कौन सी 3 कॉमन प्रॉब्लम है? प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए मुख्यतया टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो इम्बेलेंस हो जाता है वही इसकी वृद्धि के पीछे कारक होता है, और चूंकि ये मतलब इसके पीछे कोई भी एक डेफिनेट कॉज हम नहीं दे सकते, ये एक सामान्य, जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि एक सामान्य एजिंग प्रोसेस है जिसमें कि मतलब ये प्रोस्टेट को धीरे धीरे, जैसे कि बाकी शरीर में जो
शरीर उम्र बढ़ने के साथ साथ जो जो अंतर आते हैं, प्रोस्टेट भी बिल्कुल वैसा ही एक अंग है जिसमें कि जब उम्र बढ़ेगी तो प्रोस्टेट को बढ़ना ही बढ़ना है। बस ये है कि अगर प्रोस्टेट सेंट्रल रीजन में बढ़ रही है तब वो एक अपने लक्षणों में ज्यादा तीव्रता लेके आती है, जिन लक्षणों के बारे में मैंने बताया था। और इस बारे में मैं एक चीज जरूर हम डिस्कस करना भूल चुके हैं, जिसको कि मतलब प्रोस्टेट का मेडिकल मैनेजमेंट। आज की साइंस ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है, हमारे पास में काफी मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे कि हम सर्जरी की संभावना को टाल सकते हैं, जिसमें कि ऐसे ऐसे हमारे पास में हमारी मेडिसिन हैं जो कि प्रोस्टेट की साइज को लंबी प्रोस्टेट की ग्रंथि की साइज को लंबी अवधि तक खाने पे कम किया जा सकता है। जो प्रोस्टेट की वजह से मूत्र मार्ग का संकुचन होता था उसमें रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है, उसमें जो उसका मूत्र का जो प्रवाह है जिसको कि हम यूरोफ्लोमेट्री भी एक इसका मुख्य अवयव है। यूरोफ्लोमेट्री एक ऐसी मशीन होती है जिसमें कि हम पेशाब की मात्रा और पेशाब का जो फ्लो है उसकी स्पीड, वो उसको दोनों को नापा जा सकता है। ये बेसिकली एक बीकर नुमा वस्तु है जो कि हमारे हमारे संस्थान में मौजूद है, जिसके माध्यम से हम यह नाप सकते हैं कि पेशेंट की प्रोस्टेट की पेशाब की मात्रा कितनी है, उसका प्रवाह कैसा है। तो ये सब चीजें हैं जिनसे कि हम काफी हद तक मरीज को सहायता प्रदान कर सकते हैं। सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोस्टेट के साथ में कुछ गलत हो रहा है, या कैसे पता चलेगा सर? देखिए, बार बार यूटीआई होना, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना जिसमें कि बुखार आना, ठंड लगकर पेशाब में जलन होना, पेशाब करने में बाधा लगना, पेशाब करने में जोर लगाना, रात में कई बार पेशाब करने के लिए उठना, दिन में भी कई बार पेशाब करने के लिए उठना, पूरी तरीके से पेशाब खाली ना होना, पेशाब कपड़ों में हो जाना, ये सब ऐसे लक्षण हैं जिनसे कि हमें पता चल सकता है कि हमें प्रोस्टेट संबंधी समस्याएं हैं, और इसके लिए हमें तुरंत ही अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। प्रोस्टेट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड सर्जरी, जैसा कि मैंने अभी बताया था, TURP है। TURP में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से प्रोस्टेट को काटते हैं। इसी का एक एडवांस मेथड है लेजर सर्जरी, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक करंट के बजाय लेजर एनर्जी का उपयोग करके उस प्रोस्टेट को कट कर सकते हैं। इसके अलावा पुराने समय में ओपन प्रोस्टेटोमी भी की जा सकती थी, जिसमें कि एक चीरा लगाया जाता था, उसके माध्यम से भी प्रोस्टेट को निकाला जा सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। सर, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए? एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट TURP ही है। और इसका इससे पहले लेकिन हम हर मरीज के अंदर में TURP रिकमेंड नहीं करते हैं। हम सबसे पहले मरीजों को उनके लक्षणों के हिसाब से सबसे पहले उन्हें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कहते हैं, नियमित व्यायाम के लिए कहते हैं, उनकी रेगुलर जांचें करते हैं, उनकी खून की जांच करते हैं, उनके सीरम क्रिएटिनिन को देखते हैं। उसके बाद में हम उनको मेडिकल मैनेजमेंट का ऑप्शन देते हैं। जब लंबे समय तक मेडिकल मैनेजमेंट देने के बावजूद भी जिन मरीजों में फायदा नहीं हो रहा है या अन्य कोई विकार या कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो रहे हैं, उन मरीजों में ही हम सर्जरी की सलाह देते हैं। अधिकतर मरीजों को हम कंजर्वेटिवली यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट दवाइयों के माध्यम से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के माध्यम से ठीक करने का प्रयास ही करते हैं। सर, जिन लोगों को घर पे प्रॉब्लम्स हो रही है, वो लोग घर पे कैसे, उनके लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? घर पे प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए या बचाव के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि तरल पदार्थों का कम मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि एक हमारी अवधारणा रही है, यहाँ पे सामान्यता देखा गया है कि सुबह उठ के 2 लीटर पानी पी लेना, जो कि गलत है। लगभग हम 2 से 2.5 लीटर पानी पूरे दिन भर में पेशेंट को या मरीज को कहते हैं कि 2 से 2.5 लीटर की द्रव की इंटेक हो, जिसमें कि चाय, कॉफी, दूध और बाकी अन्य तरल पदार्थ भी शामिल हैं। इसके अलावा शाम को 4 बजे के पश्चात में द्रव पदार्थों का या तरल पदार्थों का उपयोग पे नियमन लगाएं, उस पे कंट्रोल लगाएं। तीसरी बात, अल्कोहल, कैफीन और कफ सिरप का उपयोग सोच समझ के बिना डॉक्टरी सलाह के ना करें। और जो प्रोस्टेट रोगी हैं जिनमें गदूद बढ़ा हुआ है, उनमें कैफीन वाले पदार्थों का उपयोग कम से कम करना है, अल्कोहल भी कम से कम
लेना है उन ऐसे मरीजों को, ये हमारी सलाह है। इसके अलावा नियमित व्यायाम, अपनी ओबेसिटी को कंट्रोल करना, इससे भी मरीजों में काफी सहायता मिलती है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के पांच वार्निंग साइन अगर हम गिनते हैं तो मैंने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, नॉक्चूरिया, अर्ज इनकंटिनेंस, वॉइडिंग डिफिकल्टी। फ्रीक्वेंसी में मैंने आपको बताया था बार बार पेशाब का आना, दिन में 8 बार से ज्यादा पेशाब होना, अर्जेंसी पेशाब लगते ही तुरंत बाथरूम की तरफ भागना या फिर कपड़ों में ही पेशाब हो जाना, रात में 3 से 4 बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब करने के पश्चात भी मूत्राशय पूरी तरीके से खाली न होने की अनुभूति होना, ये सब शामिल हैं। और हमने देखा है कि लंबे समय तक अगर प्रोस्टेट का उपचार नहीं किया जाता है तो इनसे इसमें पेशाब के रास्ते में बहुत ज्यादा जोर लगाने की वजह से हर्निया जैसे अन्य विकार भी डेवलप हो जाते हैं, इसमें मूत्राशय में पथरी भी डेवलप हो जाती हैं, मूत्र मार्ग में अन्य जगहों पर भी पथरी डेवलप हो जाती है, बार बार इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है। इसलिए जब भी मतलब हमें समस्या लग रही है 50 साल की उम्र के पश्चात में, अपने निकटतम यूरोलॉजिस्ट से तुरंत संपर्क करें और अपनी समस्याओं से निदान पाएं और हेल्दी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें, इससे काफी हद तक हम अपनी इन समस्याओं से बचे रह सकते हैं। क्योंकि चूंकि ये शरीर का ही अंग है, इसकी सुरक्षा, इसकी देखभाल करना ये हमारी ही जिम्मेदारी है, और ये इतना कठिन नहीं है जितना कि कठिन हम इसे नेग्लेक्ट करके बना लेते हैं। सही समय पे सही उपचार काफी हद तक प्रोस्टेट से संबंधित समस्याओं को रोकने में मदद करता है। सर, अपोलो स्पेक्ट्रा कानपुर प्रोस्टेट के सभी प्रकार के प्रॉब्लम के लिए कैसे एफिशिएंट हो सकता है? अपोलो स्पेक्ट्रा कानपुर हॉस्पिटल में प्रोस्टेट का वैसे ही बहुत ही बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। यहाँ पे सारी ही एडवांस टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, और सबसे बड़ी बात है यहाँ का टीम वर्क। हमारे पास में विभिन्न स्पेशलिस्ट जो भी हमें जरूरत होती है, क्योंकि हर चीज का एक अपना महत्व है, रिपोर्टिंग से लेके डायग्नोसिस से लेके रेडियोलॉजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट से लेके अन्य रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और इन सब की इन्वॉल्वमेंट की काफी जरूरत होती है, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, यह एक टीम वर्क होता है। और चूंकि यह यहाँ पर एक बहुत बेहतर एनवायरनमेंट है, यहाँ पे प्रोस्टेट संबंधी रोगियों की समुचित व्यवस्था और समुचित उपचार अच्छी तरह से किया जाता है। सर, वुमेन्स के लिए क्या सेम प्रॉब्लम्स ही होती हैं? चूंकि ये एक कहेंगे आप इस मामले में भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये पौरुष ग्रंथि मुख्यतः पौरुष ग्रंथि मीन्स पुरुषों में ही होती है, और इसलिए वुमेन्स को इससे फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है। और मैं मुख्यतः पुरुषों को आप, लेकिन ये है कि जो अपने सगे संबंधी पुरुष हैं उनको आप ये सब मैसेज दे सकते हैं, और उनको प्रोस्टेट संबंधी समस्या ना हो इसके लिए उनको आप समुचित जानकारी का प्रदान कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।